हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पर एटमिक्स में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल डॉग ब्रीड पग के बारे में कि पग इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है और किस तरह से ये डॉग ब्रीड आज के टाइम में भी इतना पॉपुलर रह रहा है जो स्मॉल टाइप के डॉग ब्रीड की बात करें तो। तो ऐसे में मैंने जो है लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन, हस्की के बारे में वीडियो बनाई है, तो वो भी आप ज़रूर से देखना। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस मोस्ट ऑफली क्या होते हैं, लोग कहीं कहीं लोग जो है रेंट पे रहते हैं यानी हाउस रेंट पे रहते हैं, तो उन लोग को एक डॉग चाहिए होता है। बट कभी कभार क्या होता है, कभी जॉब यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाती है या फिर कभी कभार आपको घर बदलना पड़ता है, तो ऐसे में आप लार्ज साइज़ के या फिर मीडियम साइज़ के डॉग ब्रीड नहीं रख सकते। तो ऐसे में पग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पर, क्योंकि पग को क्या आप आसानी से यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो। और पग स्मॉल टाइप का होने के कारण अगर आप 1 BHK में भी रहते हो, 2 BHK में भी रहते हो या फिर 3 BHK में भी रहते हो तो आराम से आपके साथ रह सकता है। और गाइस इन डॉग को बाय करने का और एक रीज़न बता दूं, जैसे कि अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करें तो ये टॉप 5 में या टॉप 6 में आसानी से आ जाते हैं स्मॉल टाइप के ब्रीड में। और जैसे कि मीडियम या लार्ज टाइप की बात करें तो उनमें भी ये डॉग ब्रीड आसानी से रैंक कर जाते हैं, तो उस तरह से भी आप इन डॉग ब्रीड को ले सकते हो। इन्हें और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि चाइनीज़ पग, डच बुलडॉग और जैसे कि पग या पगलेट भी आप बोल सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि इनका जो फेस होता है वो आगे से थोड़ा सा आपको पंच आकार में मिलता है और काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स हो जाते हैं। उसके अलावा इनकी पूंछ भी मुड़ी हुई आपको देखने को मिलेगी। कभी कभार जो स्ट्रीट डॉग होती है उनकी पूंछ सीधी होती है, कोई कोई डॉग की थोड़ी बहुत सीधी होती है, बट ये डॉग ब्रीड की जो पूंछ है आपको एकदम गोल आकार की देखने को मिलेगी। इनकी साइज़ की बात करें तो आपको बता दूं, पहले से लेके अब जब तक ये डॉग ब्रीड बड़े होते हैं इनकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे को मीडियम और लार्ज नहीं लेना है, एक स्मॉल टाइप का डॉग ब्रीड लेना है, तो ऐसे में आप पग ले सकते हैं। तो गाइस जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है जो इस डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा कम आता है, इसको आप घर का खाना भी दे सकते हैं और जैसे कि बाहर का डॉग फूड वगैरह भी दे सकते हैं। इनका खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम आता है क्योंकि इनका पेट काफ़ी स्मॉल होता है, तो इसलिए आप अगर अच्छी क्वालिटी का डॉग फूड भी लाते हैं तो भी आप मंथली आपका इसका खर्चा 2 से 2.5 हज़ार के आसपास हो सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से फूड देते हो तो। अगर घर का खाना भी मिक्स करके देते तो उससे भी कम खर्चा आ सकता है। और इसी के साथ साथ इंडिया में पग की प्राइस की बात करें तो पग की प्राइस जो है 12 हज़ार से चालू हो जाती है और वो जो 18 हज़ार 20 हज़ार तक जाती है। अगर आपको हाई क्वालिटी का विथ पेपर लेना हो तो उसके आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ सकते हैं। और अगर फीमेल डॉग ब्रीड की बात करें तो फीमेल हमेशा आपको 2 से 3 हज़ार रुपये तक कम मिल सकता है, क्योंकि जहाँ पे मेल की प्राइस अगर 13 हज़ार रुपये मिल रहा है तो वहीं फीमेल आपको 10 हज़ार के आसपास मिल सकता है। और अब बात करते हैं गाइस ये फ्रेंड्स और अपने फैमिली के लिए, मेंबर के लिए कैसा है, बच्चों के लिए कैसा है। तो ये काफ़ी लविंग नेचर के होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, तो आप इन्हें आसानी से आपके साथ रख सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बेबीज़ वगैरह हो तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छे से खेलते, मस्ती करते और उनको सोशलाइज भी काफ़ी अच्छे से आप करवा सकते हो। बहुत सारे डॉग में क्या मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ में क्या हो जाता है कि बच्चों के साथ रखने में कभी कभार तकलीफ़ आ जाती है, क्योंकि उनको संभालना, डॉग को संभालना तो काफ़ी तकलीफ़ आती है। आपके घर में मेम्बर कम हो तो भी उनको दिक्कत आती है संभालने में। तो ऐसे में अगर आप छोटे पपीज या स्मॉल टाइप के डॉग ब्रीड लेते हो तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा पग आपकी हेल्प कर सकता है, वो खुद भी मेंटेन रहते हैं और अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर आप बच्चों में देखभाल करते हो तो ये आराम से रह सकते हैं आपके साथ। इन डॉग ब्रीड को ज़्यादा आपको वॉक पे ले जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप नॉर्मली वॉक पे थोड़े यहाँ पे जैसे कि आपके एरिया में यहाँ वहाँ थोड़ी देर घूमोगे तो भी इनकी अच्छे से वॉकिंग हो जाती है, इनकी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पग डॉग कभी कभार इनकी हेल्थ कैसी हो जाती है कि कभी कभार जल्दी से ख़राब हो जाती है, जैसे कि वेदर चेंजेस के कारण हो गया, कुछ खाने के अंदर गड़बड़ी होने के कारण, या फिर अगर आप प्रॉपर तरीके से जो डाइट फॉलो नहीं कर रहे उसके कारण, या फिर अचानक से कुछ खाना ज़्यादा ऐड कर रहा है, अचानक से खाना चेंजेस कर दिया तो उसके कारण हमेशा बीमार पड़ सकते हैं, तो उस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है। अब बात करें पग फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए कैसा है, तो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए बेस्ट है, आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आप पग लेते हो तो उसका इंजेक्शन होता है, वैक्सीनेशन का होता है, उसका खर्चा आपको 1200-1300 रुपये तक आ सकता है। उसके बाद नॉर्मली जो खर्चा होता है घर के खाने से भी वो डॉग ब्रीड आराम से मेंटेन रहता है, तो फर्स्ट टाइम के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपका घर छोटा है तो भी आपके लिए अच्छा है, अगर आप ट्रैवल करते हो यहाँ से वहाँ जाते हो आपको डॉग चाहिए तो वैसे में भी अच्छा रहेगा। आपको बता दूँ आप इसे बार्क करना सिखा सकते, वॉच डॉग के लिए बना सकते, उसके लिए आपको अच्छे से ट्रेनिंग इनको देनी पड़ेगी। ये गार्ड डॉग या फिर आप बोल सकते हैं वॉच डॉग ज़्यादा करके नहीं होते, और जो गार्ड डॉग आप बोल सकते हैं, आपको अगर गार्ड डॉग चाहिए तो आपके लिए पग अच्छा नहीं रहेगा। और मार्केट में आपने देखना कि पग अगर आप बाय कर रहे हो तो बहुत सारे लोग क्या करते, फ्रॉड करते, मिक्स ब्रीडिंग करते, तो ऐसे में आपको डुप्लीकेट पग ना मिले, इसलिए आप ज़रूर से चेक कर लेना पग की कैसी क्वालिटी है, क्या है। मैं उसके लिए आपको वीडियो बना दूंगा या फिर मेरे पास अगर वीडियो ऑलरेडी बनाई होगी तो आई बटन में आपको दे दूंगा, और उसके फैक्ट वगैरह सब कुछ आप जान लेना, सब कुछ हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा।
तो गाइस पग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, अच्छा रहेगा और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम है और अच्छे से मेंटेन भी रहता है, तो आप ज़रूर से इनके साथ जा सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड भी है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।